हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे कैसे हो आप? वेलकम टू वाई फाई स्टडी चैनल, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। बच्चे, आप लोगों के लिए आज मैं कुछ स्पेशल लेके आया। हम और हर सर मिलके आपके लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं। उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि बेसिकली क्या है स्पेशल। देखो, आपको पता है कि बेसिकली अर्थमेटिक की कोर्सेज तो चल रहे हैं अनअकैडमी पर। अर्थमेटिक की क्लासेस चल रही हैं, वो मॉर्निंग में 8 to 10 होती है, 8 से 10। तो एडवांस बच्चों का काफ़ी सारा था कि सर एडवांस की भी क्लासेस शुरू की जाए, तो एडवांस की भी क्लास शुरू किया हूँ। एडवांस की क्लास जो लेके आया हूँ वो दोपहर में दिन में 2 बजे है, तो 2 से 3, 3.5, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी मिनिमम। और उस कोर्स में हम क्या करेंगे, मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा देता हूँ। देखो बच्चे, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि यह चीज़ें अगर आप कर लेते हो, जो टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया, मतलब मान लो अगर मैं यह जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो स्पेशली नंबर सिस्टम और अलजेब्रा का लेके आ रहा हूँ, तो नंबर सिस्टम और अलजेब्रा एक भाष पार्ट है, आपको पता है, किसी भी SSC एग्जाम के, CGL, प्री, मेंस, CPO सबके लिए। तो अगर इस चीज़ों को अगर आप कोर्स को कर लेते हो, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो नंबर सिस्टम अलजेब्रा, इट मीन्स कि इससे बाहर कोई भी पेपर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के आप पेपर में बैठते हो, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, यह मैं इंश्योर करता हूँ। तो उन चीज़ों को मैं क्या क्या करूँगा आपको मैं समझाता हूँ। जो मैं डिटेल कोर्स डिजाइन किया हूँ उसमें क्या होगा कि आपको मैक्सिमम बिल्कुल बेसिक पूरा जितना आपका है उसका, मतलब कह सकते हो सिलेबस का पूरा बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक जितने प्रीवियस ईयर हैं वो भी हम डिटेल में करेंगे, और लगभग ऑल अबाउट 500+ क्वेश्चंस भी करेंगे। और उसका हर 2 सेशन के बाद डाउट सेशन है, हर 2-3 सेशन के बाद आपका टेस्ट होगा, मतलब पूरा अच्छी तरीके। मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ बेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर नहीं कुछ भी है। मतलब यह वह कंटेंट होगा जिससे बाहर, मतलब आप सोच सकते हो कि अभी 2019 चला है तो 2022 तक के लिए वैलिड होगा वह कंटेंट, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होगा चीज़ों को लेकर। तो इतना ही चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, बाकी अब हर सर बता रहे हैं चीज़ों को लेकर। देखो सर, संतोष सर के बैच के बारे में, मेरा बैच भी, दोनों का बैच आ रहा है, हम दोनों का इंडिविजुअल बैच आ रहे हैं। और पहले मेरे बैच से पहले मैं थोड़ा संतोष सर के बैच के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत ही कम, कल मैं और संतोष सर इसके बारे में बात कर रहे थे कि सर अर्थमेटिक शुरू हो गया है और अब बच्चों की डिमांड आ रही है एडवांस की, तो कैसे क्या करें। तो सर ने बोला बल्कि हमारा डिस्कशन हो रहा था, सर ने बोला बल्कि सर जो चीज़ें करानी है ना वो इस तरीके की चीज़ें करानी है कि बच्चों की अगले 3 साल की टेंशन खत्म है, मतलब बहुत ही एडवांस और बहुत ही डिटेल्ड में चीज़ों को करानी है। तो ये जो सर जो लेके आए हैं आपके, बेसिकली आपके सामने ये जो बैच लेके आए हैं, कॉम्प्रेंसिव बैच है ये आपके, नंबर सिस्टम और एलजेब्रा का 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको, एलजेब्रा का रोल, जैसा कि आप अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी जो एग्जाम हुआ आपके CHSL का, सर बच्चे क्या बोल रहे थे कि रोल किसका ज़्यादा आया, ईमानदार से बताइए। सबसे ज़्यादा अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, और सबसे ज़्यादा बच्चे जो बोले कि सर जो आपने करवाया था उसी से क्वेश्चन थे। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, कंटेंट के बेसिस पे ना इससे बाहर कुछ नहीं, और बेस्ट कंटेंट है। जो बच्चे से पढ़े हैं आज से, पुराने भी वीडियोस हमारे लिए हैं तो उनको पता है चीजों को लेकर, आज से 2 साल पहले भी जो मैंने वीडियो कोर्स बनाया था तो वो भी अपने आप में उस टाइम पे सबसे ज्यादा एडवांस था। मतलब वो चीजें जो मैंने पढ़ाया था वो आज CGL में पूछा जा रहा है, तो जो आज मैं पढ़ा दूंगा आपको ना तो अगले 2 साल के लिए वो वैलिड होगा, 2 साल तक फिर कभी, मतलब उसके बाद कहीं कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। एक बार मैथ्स पढ़ लिया ना तो दोबारा फिर कभी टीचर से मैथ्स पढ़ने के नाम ही नहीं लोगे, ये बात की गारंटी देता हूं मैं। तो बच्चों ये तो संतोष सर के कोर्स की जानकारी होगी। इसके अलावा बच्चों एक कोर्स मेरा भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, कॉम्प्रेंसिव कोर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ, कैसा कॉम्प्रेंसिव बैच चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। सो कलर के ऑप्शन हम दूसरे ले लेते हैं, जी हाँ चलो ये कलर, ठीक है ना। सो बच्चों ये जो मेरा कोर्स होगा ये बेसिकली आपके 3000 क्वेश्चंस का कोर्स है, और ये मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, राइट, मिस क्वेश्चन होंगे, और बेसिकली ये आपके किस किस को डिनोट करेंगे, एरर को, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को, एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिलर, इनके क्वेश्चन सही है ना। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं मिक्स लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों ने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो बैच हमने कब स्टार्ट किया था, वो हमने 28 तारीख को स्टार्ट किया था, नहीं सर का 28 तारीख को अर्थमेटिक का स्टार्ट हुआ था, मेरा तो अभी थोड़े दिनों पहले स्टार्ट हुआ, मेरा 11 तारीख को स्टार्ट हुआ ना। तो सर का अर्थमेटिक का बैच जो है वो 28 जून को स्टार्ट हुआ था, अर्थमेटिक है ना सर, उसमें बेसिकली वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो भी आप पढ़ सकते हैं ना, कि बेसिकली उसमें मैंने अभी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर दिया, उसमें मैं मंडे ट्यूसडे से जो है उसमें स्टार्ट करूंगा रेशियो। तो जो बच्चे हैं, जो बच्चे इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पता है अनअकैडमी प्लस पे अगर आप कोर्स आप सब्सक्रिप्शन प्लस लेते हो तो कोई भी कोर्सेस आप पढ़ सकते हो, जितने कोर्सेस चल रहे हैं चीजों को। एक बात मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा,
कि जो चार टॉपिक सर ने पढ़ा दिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप लोग जो है वो चले गए, आप वो रिकॉर्डेड है वहाँ पे पढ़े हुए, आप उनको डिटेल में देख सकते हो ना, और उनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमने डाउट सेशन रखा हुआ है, आप प्रीवियस टॉपिक्स के डाउट्स भी पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। डाउट के मामले में तो क्लास डेढ़ घंटे की होती है, मैं ढाई घंटा बैठता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे ले रहे हैं कोर्स आप मेरे बारे में रिव्यू, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे कहने पर आप मत जाओ कि मैं क्या पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ, उस पर मत जाओ, जो बच्चे आपके कोई दोस्त आस पास सराउंडिंग में जो होंगे, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं या हमारे जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ रहे हैं, उनसे आप रिव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि हाँ क्या आपको क्या सेटिस्फेक्शन है, अगर आपको वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि नहीं सर बेस्ट है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, और आपको लगता है अगर वो बोलते हैं नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला है सर, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रिव्यूज है, बहुत ही शानदार रिव्यूज है। तो एक तो अर्थमेटिक 28 जून से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था मैंने, 11 जुलाई को मेरा एक बैच स्टार्ट किया था, ये आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का था ना, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को कॉन्सेप्ट हमने बहुत पढ़ा दिए। सीजीएल का जब मैं बैच लिया था तो कम से कम 200-250 से ऊपर क्लासेस ले चुका हूं मैं, क्योंकि पिछले साल सीजीएल होने वाला था जो हुआ है इस बार 2019 के अंदर, तो साल भर से पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 250 से ऊपर क्लासेस मैं ले चुका हूं सीजीएल में, तो कॉन्सेप्ट बच्चों ने बहुत पढ़ लिया, अभी बच्चों को जरूरत जो है वो प्रैक्टिस की है ना, और इसी आधार पर हमने एक प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए लेके आए, दो बैच हो चुके हैं मेरे, 11 जुलाई से तो आपके बैच हुआ है वो टॉपिक वाइज स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर मैंने दो ही टॉपिक कराए हुए अभी, नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव अब मैं शुरू करवाने वाला हूं, और तीसरा जो बैच स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, दूसरा जो बैच स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, ये आपके एरर का, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट का और फिलर का जो है 3000 क्वेश्चन का मिसलेनियस बैच चाहिए, मिसलेनियस का मिस्क बैच चाहिए ना, सो ये दोनों ही बैच आपके बहुत ही माइलस्टोन साबित होने वाले हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत जबरदस्त कमांड करना चाहते हो तो, है ना, दोनों ही बैच आप एक साथ देख सकते हो, आपको बस क्या करना है अनअकैडमी पे जाके, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपका प्लस कोर्स जो आपको बाय करना है ना, जिस कैसे बाय करना है किस तरीके से करना है वो सारी डिटेल्स हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, ठीक है। सो गाइज दोनों बैचेस की जानकारी आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई है, अब फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप कैसे जो है आप प्लस कोर्स ले सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, जैसे आपने उसको डाउनलोड करा फिर उसके बाद में आप उसे ओपन कीजिए, ठीक है। जैसे बच्चों आप उसे ओपन करेंगे आप ये पाएंगे कि आपको बेसिकली एग्जाम, आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलने वाला है, ये देखो है ना, गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन में बच्चों आपको एसएससी एग्जाम चूज करना है, क्योंकि हर चीज का अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, रेलवे का सब्सक्रिप्शन अलग है, एसएससी का सब्सक्रिप्शन अलग है, बैंक का सब्सक्रिप्शन अलग है, सो एसएससी के अंदर ही आपको ये क्लासेस देखने को मिलेगी, आपको एसएससी एग्जाम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, राइट, ऊपर एसएससी एग्जाम होना चाहिए, नीचे आपके गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में पेमेंट के ऑप्शन नजर आएंगे, 1 महीने का 1000 रुपए, ठीक है, और अगर आप 3 मंथ्स का लेते हो तो उसमें 2500 रुपये होता है, 6 मंथ्स का अगर प्लस लेते हो तो 4000 होता है, और अगर साल भर का लेते हो तो 5000 रुपये होते हैं ना। अब बच्चों देखो साल भर का केवल 5000 रुपये है ना, मंथली 1000 और साल भर का 5000, मतलब आधे से भी कम है सर, है ना, और इसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है 10% अगर आप वाईफाई स्टडी का जो है रेफरल कोड यूज करते हो ना। सो जैसे मान लो आपने 5000 रुपये चूज किए, 5000 रुपये चूज किया, या आपने मान लो 1000 रुपये चूज किया ना, आपने 1000 रुपये वाला लिया प्लान ना, तो आप जैसे ही वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा और टोटल आपका जो अमाउंट है वो 900 रुपये पे पहुंच जाएगा, राइट, 1000 रुपये से आपको 900 रुपये पे अमाउंट आपको आ चुका है ना, तो इस तरीके से आपको जो है छूट मिल जाएगी, 5000 वाला जो है उसके ऊपर आपको 500 रुपये की छूट मिल जाती है, तो ये कोर्स आपके टोटल ईयर लॉन्ग जो कोर्स होता है, ये साल भर का सब्सक्रिप्शन जो है 4500 रुपये का पड़ता है। इसके अलावा बच्चों एसएससी के जो दूसरे प्रोमिनेंट टीचर्स हैं हमारे यहाँ के, दीपक सर हो गया, उनके भी आपके कोर्सेज वहाँ पे रनिंग है, तो और बाकी के अलावा जो भी टीचर्स हैं उनके भी आप कोर्सेज देख सकते हैं ना, जैसे कि आप अभिनय शर्मा का कोर्स सर का देखना चाहते हैं तो अगर आपने मान लो एसएससी का हमारे से प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप केवल वाईफाई स्टडी के यानी कि संतोष सर का और मेरा ही नहीं देख सकते, आप दूसरे जो टीचर्स हैं जैसे कि आपके अभिनय शर्मा हो गए और या फिर आपके बरखा अग्रवाल, अमन श्रीवास्तव, आप दूसरे टीचर्स का भी आप देख सकते हैं ना, ठीक है। देखो सिंपल से बेसिक थ्योरी यही था कि मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर चीज़ें सबसे पहले किसी भी चीज़ को लेने से पहले उसके बारे में जान लो, परख लो, ऐसे नहीं कि आपने अंधाधुन ले लिया पैसे खर्च कर दिए, पैसे क्योंकि ऐसे मिलते नहीं है, पैसे बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं, तो आप पहले पता कर लो आपको लगता है कि हाँ बेस्ट कोर्स है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप चीज़ों को लेते हैं, देखो पैसे की उतनी चिंता है नहीं क्योंकि पैसे उतने कॉस्टली नहीं है कि 50,000-25,000 का, मुश्किल से अगर पूरे साल भर का आप लेते हो तो वो मुझसे 4000-4500 रुपये का पड़ता है, वो भी घर बैठे आपको चीज़ों को देखना, 500 रुपये मंथली भी नहीं पड़ता है, वो चलिए
दिस इज अलग मैटर. अगर सिलेक्शन पाना है तो वो एक अलग चीज़ है, उसको हम ध्यान नहीं देते. मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हमारे ऊपर बिलीव है या नहीं. अगर आपको लगता है कि नहीं, जो सर बता रहे हैं, सर के बारे में जो हमने रिव्यू सुना है वो बेस्ट है, वो अप्रोप्रिएट है, पेपर हमारा कन्फर्म एक रिजल्ट निकलेगा, हमें मैथ्स की वजह से सिलेक्शन हमारा नहीं रुकेगा, इंग्लिश की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, तो आप जरूर लीजिए. बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, मतलब विश्वास होनी चाहिए आपको, तभी चीज़ों को लो आप. ठीक है, ठीक है. सो गाइस, इस बात को यहीं पे एंड करते हैं. प्लस कोर्स एसएससी का बहुत ही बेहतरीन है, आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है. आई होप जो है आप लोग इसका फायदा उठाएंगे ना. सो इसी के साथ में हमारी बात को यहीं पे विराम देते हैं. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सर अगर 4500 रुपये साल भर के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो 400 रुपये मंथली के हिसाब से 4800 रुपये होते हैं, वो भी उससे भी कम है. 400 रुपये, 300-400 रुपये मंथली आपकी फीस. 400 रुपये सर, वो तो आई थिंक एलकेजी का भी बच्चा पढ़ता है घर पे, ट्यूशन पर हमें. अगर हम किसी स्कूल में भी पढ़ाते ना तो इस स्कूल की फीस भी 400 रुपये मंथली नहीं होती है. मैं 2000 की बात करूं, उसमें हमारी स्कूल की फीस 1200-1500 थी. हाँ, तो बहुत ही अफोर्डेबल है और आई होप सारे बच्चे इसका फायदा उठाने वाले. मेरा मानना यह नहीं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिजल्ट. अगर आपको रिजल्ट लेना है और आपको लगता है कि सामने वाला चीजें सही है, हम उसको चीजों को हमें बेनिफिट हो सकता है, तब तो लेना चाहिए. और अगर वो कोई चीज अच्छी है तो कितनी भी महंगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो चीज अफोर्डेबल मिल रही है, हाँ, और वो चीज अगर वो बेकार है तो कितना भी सस्ता कोई मतलब नहीं बनता. अगर आपको अच्छी चीज अफोर्डेबल प्राइस में, ये तो बहुत बेस्ट है, बेस्ट है वो. और मेरा मानना है कि आप पता कर लीजिए बच्चों से, ज्यादा बेटर होगा, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए. और ये बात में विश्वास, एक बार आप हम विश्वास करोगे तो निराश नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी. आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा 10 सालों का टीचिंग का, कि एक बार जो बच्चे मुझसे मैथ पढ़ लेते हैं ना, तो दोबारा जिंदगी में कभी दूसरे टीचर से वो मैथ पढ़ नहीं सकते, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ. इस बात का ये मेरा रिकॉर्ड है. और यही बात मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा, 10 साल से सर पढ़ा रहे हैं, 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो कोर्स मैंने डिजाइन किया ये बेस्ट कोर्स है. बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे लग चुके हैं, जो हमारे मेरे और संतोष सर के पढ़ाए हुए हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीजीएल के अंदर बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं, पढ़ाने का बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है. तो बच्चों आपको आई होप इसका फायदा उठाएंगे और एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन आज ही लेंगे ना. ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों. मिलते हैं सेशन में, अगले सेशन में. टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.